विदिशा से स्थानांतरित होकर धार जिले की कमान संभालने के लिए डॉक्टर पंकज जैन आज जिले के कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। डॉक्टर पंकज जैन एक सख्त प्रशासक के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। राज्य सरकार की योजनाओं को प्रभावी रूप से निर्धारित समय अवधि में लागू करना उनकी प्राथमिकता में रहता है और जन सेवक के रूप में आम आदमी की शिकायतों का त्वरित निराकरण मौके पर ही कर देना उनकी तेज तर्रार कार्यशैली को दर्शाता है। जिले में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आशीष वरिष्ठ ने कम समय में बगैर किसी राजनीतिक दबाव के निर्भीक होकर सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और अब जिला कलेक्टर के रूप में भी एक सख्त प्रशासक आने के बाद निश्चित ही जिला प्रशासन के कार्यों में गति आएगी और सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ आदिवासी बाहुल्य जिले के अंतिम व्यक्ति को मिलेगा। और अब लापरवाह विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की खैर नहीं। धार से संजय सोनग्रह की रिपोर्ट। शासन की जो मंशा है इसके अनुसार जनता को उनका सही लाभ मिल पाए, योजनाओं का क्रियान्वयन ढंग से हो सके, बेहतर तरीके से जारी रह सके, सबसे पहले प्राथमिकता वही रहेगी। सर, कोविड काल चल रहा है, जनता को अधिकारियों को क्या मैसेज देने चाहिए? कोविड की संभावित इसलिए बोल रहा हूँ कि संभावनाएं गलत निकले और तीसरी लहर ना आए, बट यदि आती है तो आने से पहले उसकी रोकथाम के लिए पर्याप्त संसाधन हमारे पास हों और पूरी कोशिश हो कि संभावना गलत साबित हो और लहर ना आए, उसके दिशा में प्रयास करने के लिए हम लोग बेहतर काम करने की कोशिश करें। सर, आप एक डॉक्टर भी हैं तो धार जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में क्या निश्चित तौर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में। और जैसा मैंने कहा कि कलेक्टर की प्राथमिकता, मतलब जो शासन की प्राथमिकताएं होती हैं उनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके, वही प्राथमिकता रहेगी। क्या नया क्या करना चाहेंगे आदिवासी? मैं स्वयं अभी नया हूँ और बेहतर हुआ कि कोई भी प्राथमिकता एक बार देख के, जमीनी स्थिति को देख के तय किया जाए बजाय किसी पूर्वाग्रह के, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है, बन गई सर। जिले में काफी सफल कार्यकाल रहा, आपका क्या कहेंगे? मैं धार की जनता को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, प्रेस मीडिया को और हमारे जो समस्त साथी हैं जिन्होंने सवा साल तक मेरे साथ काम किया और जो भी शासन के लक्ष्य थे उनको पूर्ति करने में मेरी मदद की, सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। बाबा धारनाथ को का आशीर्वाद मिला छवीना के रूप में और सभी के साथ यहाँ जो काम करने का मौका मिला। धार अपने आप में एक अद्भुत जिला है। मैं नवागत कलेक्टर साहब को भी बता रहा था कि मालवा निमाड़ का अद्भुत संयोग है, ये ट्राइबल से लेकर इंडस्ट्रियल एरिया तक का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। काम करने की अपार संभावनाएं हैं और जितना भी समय मिले कम है, इसलिए एक एक दिन काउंट करते हुए दिन रात काम करने की यहाँ पे आवश्यकता है। और बहुत ही आनंद की नगरी है, सुकून की जगह है, चाहे वो वातावरण के बारे में बात हो, चाहे लोगों के बारे में हो, पब्लिक के बारे में बात हो। और एक खास बात यह है कि जो यहाँ की विविधता है वो जिंदगी को बड़ा अच्छा रूप देती है। मांडू जैसा टूरिस्ट स्थल है, बाग जैसे प्रिंट पे काम हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल बेल्ट में लगातार विकास होता जा रहा है, मतलब अब डबल होने की स्थिति में आ रहा है। इतने ग्रामीण विकास के बारे में अगर धार की बात की जाए तो इसके बिना पूरा प्रदेश अधूरा रहता है। संयोग से पंचायती राज में मेरी पोस्टिंग भी हुई है आयुक्त लेवल के पद पे, तो एक टच भी जरूर इस शहर से बना रहेगा। और ये ऐसा ऐतिहासिक नगरी रही है जहाँ पे लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। कम से कम रात में जब जाओ तो सुकून से सोने को मिलता है। इससे बढ़िया शहर के लिए मैं पंकज जी को बधाई देता हूँ एंड ही हैज बीन वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स। प्रदेश में जब अच्छे अधिकारियों की बात होती है, लगातार उन्होंने कटनी, विदिशा जैसे जिलों में और उसके अलावा जब भोपाल स्तर पे थे तो विभाग प्रमुख के रूप में अच्छे से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। और इस समय में एक डॉक्टर, एक यंग ऑफिसर जो फुल ऑफ एनर्जी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हर एक नए विकास के रास्ते पे जाएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।